असली रूप देख लिया है। अदाओं में है सास वाला रुतबा, बोली से झलकता है प्यार, मगर सच तो ये है कि ये मोहतरमा कर देगी सिमर के संसार को तार तार, क्योंकि ये एक भूत है। जी हाँ, वीरा की चाई जी अब सिमर के संसार में आ गई है, उसके ससुराल में भूत बनकर कहर ढाएगी। और बेचारी सिमर हर बार की तरह इस बार भी इस खतरे से बिल्कुल अनजान है। वो ये नहीं जानती कि जिसे वो अपनी माता जी की सहेली समझ रही है, दरअसल वो एक भटकती आत्मा है जो सिमर और उसके परिवार से बदला लेने आई है। ये सुगंधा जी हैं, हमारी माता जी की फ्रेंड हैं, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़े रिलीफ की तरह आए हैं, क्योंकि जिस बारे में हम बिल्कुल भी कुछ जान नहीं पा रहे थे उसमें ये काफ़ी कुछ मदद कर रही हैं, क्योंकि ये मालती जी और माता जी तीनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स रह चुकी हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरी गुत्थी उसी से उलझी हुई है। सिमर, अब भी वक्त है, चेत जाइए, इस आत्मा के असली रूप को पहचान लीजिए जैसे आपकी बेटी ने पहचान लिया। बच्ची ने मेरा असली रूप देख लिया है। इतनी छोटी सी उम्र में वो इस बात को जान गई है कि सुगंधा आंटी में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए तो अब ये भूत सिमर की बेटी को रिझाने में लगी हुई है। इससे पहले आपने कभी जादू नहीं देखा? मैं आपको और जादू दिखाऊंगी, पर आप अपनी मम्मी को मत बताना, ठीक है? ये ऐसी गुत्थी है जो उलझी हुई है, तो सुलझाने की कोशिश कर रहे हम लोग। सिमर, आपके ऊपर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है, जल्दी कुछ कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। सुगंधा जी के कहने पर ही सिमर पहुंच गई इस जले हुए घर के पास मालती का सच पता करने के लिए, और यहाँ मिले सिमर को एक बाबा जिसने आखिरकार सिमर के सामने मालती की सच्चाई खोल कर रख दी। वो काली विद्या और पिशाच तंत्र का अभ्यास करती थी, इसीलिए कई साल पहले सब गांव वालों ने मिलकर उसको उसी के घर में जिंदा जला दिया, और वो एक भटकती हुई आत्मा बनकर घूम रही है। अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। सुगंधा जी ने मुझे बताया था कि मुझे मालती जी के बारे में पता करना है, तो मैं उनके बारे में पता करने के लिए उनके गांव आ गई हूँ, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सपोजिटली उनका घर है, ऐसा मुझे बताया गया है, बहुत मुश्किल से एक बाबा ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक आम इंसान नहीं थी, वो एक डायन थी, इसलिए गाँव वालों ने उनको इसी घर में जलाकर मार दिया था। मालती जी की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं हमारे घर में है। सिमर, ना जाने क्यों दुनिया की हर आत्मा को आपके ही घर का ठिकाना मिलता है, भले ही किसी भी देश की आत्मा हो वो सीधे भारद्वाज हाउस पहुंच ही जाती है। हम तो कहेंगे कि आप अपने ससुराल में एक ग्रह शांति की पूजा करवा लें, ताकि आज के बाद कोई भी आत्मा आपके घर का दरवाजा न खटखटाए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।